हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सर आपके बीच अगस्त 21 की द हिंदू एडिटोरियल की चर्चा में उपस्थित हूँ। द हिंदू एडिटोरियल अंग्रेजी को मजबूत करने का एक बेहतरीन उपाय है। आने वाले दिनों में इंग्लिश के प्रत्येक सेक्शन पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ट्रंप कॉल्स ऑन कश्मीर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे पर बढ़ती हुई चिंताएं जताई हैं। व्हाइल इंडिया अपोजेज थर्ड पार्टी मेडिएशन, इट कैन एक्सपेक्ट यूएस प्रेशर ऑन पाकिस्तान। व्हाइल यहां पर ये कंजक्शन है और यह दो कार्यों को एक साथ होने का प्रतीक है। कहते हैं, जबकि भारत तीसरे पक्ष का सदैव विरोध करता है और यह अमेरिका से यह आशा करता है कि वह पाकिस्तान पर सख्तता बरते। द यूनाइटेड स्टेट्स व्यूज जम्मू एंड कश्मीर एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कंसीडरिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कैपेबिलिटीज क्षमता ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस इज अ रेयर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द कंट्रीज प्रोफेशनल स्ट्रेटजिस्ट। संयुक्त अमेरिका के विचार में भारत तथा पाकिस्तान की क्षमता को देखते हुए जम्मू कश्मीर का मुद्दा हथियार को बढ़ावा देने वाला विषय है तथा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के कूटनीतिज्ञों के लिए यह बहुत ही असामान्य स्थिति पैदा करता है। ही हैड स्पोकन टू मिस्टर खान लास्ट वीक टू एज रिलेशन बिटवीन द नेवर्स टुक ए टर्न for the worse after India's decision to revoke the special status of Jammu and Kashmir on August 5. उन्होंने भारत के निर्णय पर, जिसमें 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया गया है, बद से बदतर होने की बात गत सप्ताह मिस्टर खान से कही। अंडर मिस्टर मोदी, India has revised its long-held policy on Jammu and Kashmir and ruled out any role for Pakistan in New Delhi's ties with the troubled region, while reiterating its claim over Pakistan-occupied territory. Pradhanmantri Modi ke adhin, Modi ke tahat, Bharat ne अपनी पुरानी नीति जम्मू एंड कश्मीर पर दोहराई है तथा पाकिस्तान के लिए असांत क्षेत्र में दिल्ली के साथ किसी भी भूमिका से इनकार किया है। वाइल रीट्रीटिंग इट्स क्लेम ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी, और इसके साथ साथ ही भारत ने बार बार पीओके पे अपना दावा ठोका है। पाकिस्तान्स रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट हैज फ्लोरिश्ड बाय यूजिंग कश्मीर एज ए ट्रोप ऑफ इस्लामिक नेशनलिज्म, इवन एज इट सोसाइटी सैंक इन रेडिकलिज्म एंड वायलेंस। पाकिस्तानी जो प्रशासन है वो कश्मीर को एक इस्लामिक राष्ट्रवाद का संकेत देकर इस बात को पूरे विश्व में फैला रहा है, जबकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है अभी उग्र सुधारवाद तथा हिंसा की स्थिति में पूरी तरह से डूबा हुआ है। विथ इस्लामाबाद क्राइंग इटसेल्फ हॉर्स ओवर द सडन टर्न अराउंड इन इंडियाज पोस्चर, जबकि इस्लामाबाद स्वयं से यह चिल्ला रहा है भारत की बदली हुई परिस्थिति में कि वातावरण कर्कश हो गया है, एंड कंसीडरिंग द हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, और वह यह विचार कर रहा है दोनों देश के ऐतिहासिक विवादों को लेकर। जबकि यूनाइटेड स्टेट इवन अंडर एन आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव लुक्ड द अदर वे,
यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट, जिनको इस भूमिका से बिल्कुल अलग रखा गया है, वो भी कोई अन्य तरीका नहीं देख पा रहे हैं। मिस्टर ट्रंप्स एंग्जाइटी अबाउट इंडिया पाकिस्तान टेंशन इज आल्सो लिंक्ड टू हिज डेस्परेशन टू डिसइंटैंगल द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। नाउ इन इट्स 18th ईयर बिफोर हिज री इलेक्शन बिड इन 2020। मिस्टर ट्रंप की जो सामान्य चिंता है भारत और पाकिस्तान के तनाव का, यह उनकी निराशा भी दिखाता है, जो कि बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट को अलग करता है अफगानी विवाद से, कन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान का विवाद जो अपने 18वें वर्ष में है, और इनका जो अगला जो चुनाव का समय है वो 2020 का है। इन द जिहादी वर्ल्ड व्यू, अगर हम जिहादियों के शब्दों में अगर हम बात करें, कश्मीर एंड अफगानिस्तान आर टू फ्रंट्स ऑफ द सेम वार। तो उनके अनुसार अफगानिस्तान और कश्मीर दोनों एक ही तरह के युद्ध के दो मुहाने हैं। एंड द पाकिस्तान स्टेट हैज कन्वीनियंटली पेडल दिस आइडिया फॉर लॉन्ग। और पाकिस्तानी स्टेट शुरू से ही अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें फैला रहा है। द यूनाइटेड स्टेट इज नो लॉन्गर स्वेड बाई पाकिस्तान्स आर्गुमेंट दैट द रोड टू पीस इन अफगानिस्तान रन थ्रू कश्मीर, बट इट इज सर्टेनली कंसर्स ऑफ इस्लामाबाद्स प्रोक्लाइविटी टू मिसचीफ मोस्ट एविडेंटली बाई सपोर्टिंग टेरर ग्रुप लॉन्च इन टू अफगानिस्तान एंड कश्मीर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब ज़्यादा समय तक पाकिस्तान के इस बहस से प्रभावित नहीं रहेगा कि अफगानिस्तान में जो शांति की रास्ता निकल रही है वह सीधे कश्मीर से निकल रही है, लेकिन वह इस चीज़ से पूरी तरह से वो जागरूक है कि इस्लामाबाद जो है वो आतंकी कारनामे कर रहा है, उसका झुकाव गलत हरकत की तरफ है मोस्ट एविडेंटली, और ज़्यादातर बाई सपोर्टिंग टेरर ग्रुप आतंकी समूहों को सहायता करके लॉन्च इनटू अफगानिस्तान एंड कश्मीर, और कश्मीर तथा अफगानिस्तान में आतंकियों के द्वारा बड़े उत्साह के साथ आतंकी हरकतों की शुरुआत कराकर। इंडिया हैज ऑलवेज रेजिस्टेड राइटली एनी लिंकेज बिटवीन अफगानिस्तान एंड कश्मीर, बट इट कैन नॉट बी डिसमिसिव ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इनइविटेबल विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। भारत ने सदैव विरोध किया है सही तरीके से अफगानिस्तान और कश्मीर में किसी भी प्रकार के संबंध का, लेकिन इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है जो उलझन आज यूनाइटेड स्टेट को अफगानिस्तान से सेना वापस हटाने में सामने दिख रही है। द यूनाइटेड स्टेट हैज ग्रेजुअली बट डिसाइसिवली टिल्टेड इन फेवर ऑफ इंडिया ऑन ए रेंज ऑफ रीजनल स्ट्रेटजिक क्वेश्चंस इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में यूनाइटेड स्टेट धीरे धीरे लेकिन निर्णायक तौर पे भारत के पक्ष में अपना झुकाव क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रश्न को देखते हुए किया है, लेकिन इसका जो अपना एक प्रयास है अफगान से बचकर निकलने का, यह इसको हमेशा बाध्य कर रहा है कि इस्लामाबाद से यह अपना संबंध बेहतर बनाकर रखे। व्हाइल मिस्टर ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन लार्जली सिंपैथेटिक टू इंडियाज लेटेस्ट मूव ऑन जम्मू एंड कश्मीर, हिज ट्वीट ऑन मंडे प्रोजेक्टेड पैरिटी बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर खान बाई टर्मिंग देम माई टू गुड फ्रेंड्स। जबकि मिस्टर ट्रंप और उनका प्रशासन हाल के दिनों में भारत के जम्मू एंड कश्मीर के मूव पर, जम्मू एंड कश्मीर के कार्य पर बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखने वाला दिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो कि मंडे को की है, उन्होंने
भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर खान दोनों में समानता दिखाई है यह कह के कि ये मेरे दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। वाइल इंडिया अपोजेज एनी थर्ड पार्टी मेडिएशन इट एक्सपेक्ट्स द यूनाइटेड स्टेट टू किप पाकिस्तान ऑन ए टाइट लिस्ट। जबकि भारत शुरू से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है और भारत यह आशा करता है यूनाइटेड स्टेट से कि वह पाकिस्तान पर इस विषय में सख्ती बरते। इंडियाज पोजिशन दैट कश्मीर इज स्ट्रिक्टली एन इंटरनल मैटर कैन बी रेनफोर्स्ड ओनली बाई होल्डिंग इट्स सिटीजन्स क्लोज एंड रीअश्योर्ड। भारत का पोजिशन कश्मीर के मुद्दे पर यह एक आंतरिक मुद्दा है और इसको नियंत्रित की जा सकती है केवल जो वहाँ के नागरिक हैं उनको साथ में लेके और दोबारा आश्वासन दिया जा सकता है। न्यू दिल्ली डीलिंग विद जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली का जो अभी व्यवहार हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के साथ मस्ट बी बिकमिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यह निस्संदेह भारत का एक सतत प्रयास है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश बनने का।